फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है तकदीर में। संस्कृति नमस्कार साथियों, हमारे सभी श्रोतागणों का स्वागत एवं अभिनंदन। रविवार की शाम और हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं संस्कृति समाचार दर्पण का 152वां अंक लेकर। आज पुनः हम आपके लिए लेकर आए हैं सूचनाओं का पिटारा, तो किंचित भी विलंब ना करते हुए चलिए आपको आज की सूचनाओं से रूबरू कराते हैं। ज्ञातव्य हो ये सभी सूचनाएं विद्यार्थी एवं अभिभावकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कक्षा चौथी से 12वीं तक के विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि आपकी CBA 1 अर्थात प्रथम व्यापक मूल्यांकन आधारित आगामी परीक्षाएं आगामी 17 जुलाई सोमवार से प्रारंभ होने जा रही हैं, जिससे संबंधित तिथियों से आपको पूर्व में ही ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से अवगत कराया जा चुका है। अतः सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित होकर इन परीक्षाओं में शामिल हों। ज्ञातव्य रहे कि इन परीक्षाओं में प्राप्तांक आपकी मुख्य परीक्षाओं के प्राप्तांक में भी जोड़े जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हमें विद्यार्थियों को खेल खेल में ज्ञान का आदान प्रदान करने हेतु प्रेरित करती है। हमारा विद्यालय भी विद्यार्थियों पर पुस्तकों का वजन कम करने हेतु सदैव ही प्रयासरत रहता है और उन्हें वास्तविक जीवन में प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं एवं जीव जंतुओं आदि से परिचित कराने हेतु कई प्रकार की पहेलियों का तथा मनोरंजक खेलों का आयोजन भी करता रहता है। इसी उद्देश्य से गत सप्ताह हमारे विद्यालय के विद्यार्थियों हेतु ज्ञानवर्धक पहेलियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बेहद सहज व सरल तरीके से न केवल इन पहेलियों का आनंद लिया बल्कि खेल खेल में सहज तरीके से व्यंजन स्वर आदि अक्षरों का ज्ञान प्राप्त किया। विद्यालय के किंडरगार्टन के छात्रों ने अपने शिक्षकों के साथ मिलकर रेड डे मनाया। इस कार्यक्रम में विद्यार्थी लाल रंग के कपड़ों के साथ साथ लाल रंग वाले फल सब्जी आदि की वेशभूषा में सज धज कर तैयार हुए जीवन में लाल रंग के महत्व को समझा। विद्यार्थी में लाल रंग के फल और सब्जियों के सुंदर सुंदर चित्र और आकार भी तैयार किए, साथ ही साथ उनका नाम, स्वाद, उनके प्राप्त होने वाले विभिन्न इलाकों आदि के बारे में भी जाना। यह हमारे देश के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि हमारा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों के ज्ञान वर्धन हेतु CBSE के द्वारा चंद्रयान 3 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता प्रस्तुत की गई है, जो जुलाई 15 से 18 जुलाई तक सभी के लिए खुली रहेगी, जिसमें आप अपनी अपनी प्रतिभागिता दिखाकर अपना प्रमाण पत्र सुरक्षित कर सकते हैं। विद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत संचालित होने वाली गतिविधियों के लिए CBSE की ओर से समय समय पर अनेक दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसके तहत इस सत्र में मध्य प्रदेश का भागनी प्रदेश बिहार को घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत दोनों राज्य अपनी अपनी कला एवं संस्कृति का आदान प्रदान करेंगे। इसी संदर्भ में हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी विद्यालय के कला शिक्षकों के द्वारा मधुबनी कलाकृतियां बनाने का शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बिहार राज्य की सुंदर कलाकृतियाँ बनाना सीख रहे हैं। ज्ञातव्य हो कि CBSE का यह अद्भुत सभी विद्यार्थियों को भारत की कला एवं संस्कृति से तो जोड़ता ही है, साथ ही साथ उन्हें एक दूसरे की सभ्यता और संस्कृति का सम्मान करना भी सिखाता है। प्रत्येक माता पिता अपने नौनिहाल का भविष्य सुरक्षित एवं उज्जवल देखना चाहते हैं और उसके बहुमुखी विकास हेतु निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसी संदर्भ में हमें यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित
वर्ष 2023-24 हेतु साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन परीक्षा के रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। यह परीक्षा आपके लिए स्कूली पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु अवसर प्रदान करती है। इन परीक्षाओं में अच्छी रैंक प्राप्त करने पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाती है, साथ ही साथ उनकी भविष्य में होने वाली अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु भी उन्हें नवीन मनोबल एवं नए मार्गदर्शन भी प्राप्त होते हैं। अतः विद्यार्थियों से निवेदन है कि वे इन परीक्षाओं में शामिल होकर अपना मनोबल बढ़ाएं और भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु स्वयं को तैयार करें। आज के लिए बस इतना ही। हम पुनः हाजिर होंगे कुछ नवीन खबरों के साथ। तब तक के लिए लेते हैं एक साप्ताहिक विराम। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप इसी तरह हमारे संस्कृति समाचार दर्पण के लिए अपना प्रेम लुटाते रहेंगे। तो विदा लेने से पूर्व आइए इस विश्व की मंगल कामना के लिए उन्हीं पवित्र पंक्तियों को दोहराते हैं। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी होए। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।